फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सफर जायके का। मैं हूँ रुचि और आज की रेसिपी है मुंबई की फेमस कांदा पोहा। कांदा पोहा सुबह के नाश्ते के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और टेस्ट तो इसका बहुत बढ़िया होता है। तो चलिए बनाते हैं कांदा पोहा। वीडियो शुरू करें उसके पहले आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं कांदा पोहा। कांदा पोहा बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप पोहा। ये जो है मोटा पोहा होता है। 2 प्रकार के पोहे आते हैं, एक होता है मोटा पोहा और एक होता है पतला पोहा। तो जो पतला पोहा होता है वो चिवड़ा वगैरह बनाने में काम में आता है और हम जो ये मोटा पोहा होता है उसी से ये पोहा बहुत बढ़िया बनता है। तो आप यहाँ पर मोटा पोहा लीजिए और अब हम इसे पोहे को भिगो देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेनर रखा है और उसमें पानी डाल रही हूँ ताकि सारा पानी नीचे चला जाए। पोहे को हम अच्छे से भिगो देंगे और उसे अच्छे से निथार लेंगे। पानी बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पोहा गीला हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है और इसमें अब ऑयल डालूंगी। तो लगभग 2 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सौंफ। दोनों को अच्छे से ऑयल में फ्राई होने देंगे थोड़ी देर। ये देखिए ऑयल में बढ़िया से ये फ्राई हो चुके हैं। लगभग 1 से 2 मिनट हमें फ्राई होने देना है इन्हें और उसके बाद में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कड़ी पत्ते। 4 से 5 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब मूँगफली। यहाँ पर मैंने मूँगफली रोस्ट की हुई ली है क्योंकि मैं जब भी मार्केट से मूँगफली लाती हूँ रोस्ट करके रख देती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। आप कच्ची मूंगफली भी यहाँ पर डाल सकते हैं और थोड़ी देर हम मूंगफली को यहाँ पर फ्राई करेंगे। मूंगफली डालने से ना पोहे का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और मुंबई पोहा जो कांदा पोहा होता है उसमें तो मूंगफली ज़रूर डाली जाती है। तो देखिए मूंगफली भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं और अब हम इसमें डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली है जिन्हें बारीक कट कर लिया है, उसे भी हम ऐड कर देंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए हम फ्राई होने देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कांदे यानी कि प्याज। तो ये मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया और उसे भी बारीक कट कर लिया है। आप यहाँ पर प्याज की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए और अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम डालिए। लेकिन कांदे पोहे में अगर कांदा ना हो तो मज़ा ही क्या है फिर। तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेके कट करके डाला हुआ है और इसे हम यहाँ पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ फ्राई नहीं करना है। ये देखिए प्याज भी हमारा फ्राई हो चुका है ऑयल में अच्छे से और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऑयल में डालने से पोहे का कलर बहुत बढ़िया आता है, इसलिए मैं इसे ऑयल में ही ऐड कर देती हूँ। और ये देखिए हम जो भिगो के हमने पोहा रखा था वो भी हमने ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार, मिक्स कर देंगे। और ये देखिए बस पोहा हमारा बनकर तैयार है। 1 से 2 मिनट हम इसे फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पर और बस पोहा बनकर तैयार है। और अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने एक प्लेट में पोहा निकाल लिया है और इस पर मैं डाल रही हूँ बारीक कट किया हुआ प्याज। अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए क्योंकि कांदे पोहे में कांदा तो बहुत अच्छा डलता है। तो वो डाल रही हूँ और साथ में डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। तो लीजिए गर्मा गर्म मुंबई का फेमस कांदा पोहा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।